Jay! सर ये जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहां आए थे। All set to leave, अंजलि तुम्हारी पैक। उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए, एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ, यहाँ चोट देखिए, मुझे भी लगी। He's a terrorist, आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो, अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। झूठ बोल रहा है ये, जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। कदम जी, सर जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। बाबू उधर है। दरवाजा मत खोलना। हालत बहुत खराब हो गई, इज लॉस्ट टू मच ब्लड। इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता, वी हैव टू टेक इन द हॉस्पिटल नाउ। तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ।
मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक एक को मार रहा था वो, ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है, उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह तीन की मदद करें और उनको बोलो कि वो आगे तीन की मदद करें। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? सर,
हेलो बेटे, मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल सर। लेकिन डॉक्टर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए।